नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी दो पड़ोसियों की है। एक छोटा मकान जिसमें मोची रहा करता था और उसके पास में एक बड़ा मकान जिसमें जमींदार रहा करता था। प्रिय साथियों, मोची अपने दिन भर के काम को करता और शाम को खुद खाना पकाता, गीत गुनगुनाता, हंसता खेलता और रात को भगवान के भजन गाते हुए कब सो जाता पता ही नहीं चलता। कभी दरवाजा बंद किया, खिड़की खुली है, कभी दरवाजा खुला है, कोई चिंता नहीं। पड़ोस में जमींदार, उसके पास गाड़ी थी, बंगला था, दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, वो है शांति। और हमेशा उसको डर रहता था कि कहीं मेरा सब कुछ छिन ना जाए। वो इस बात से निराश और ईर्ष्यावश रहता था कि वह मोची, जिसके पास है ही कुछ नहीं, बड़ा मस्त रहता है, चक्कर क्या है। एक दिन उस जमींदार ने मोची को कुछ अशर्फियां दी और कहा कि भाई इसे अपने पास रख लो और फिर मैं कुछ दिनों बाद तुमसे वापस ले लूंगा। उससे वो रख ली। उस दिन वो उस मोची ने गीत नहीं गुनगुनाए, उस दिन वो भगवान के भजन भी नहीं गाता है, उस दिन वो दरवाजे और खिड़कियां सबसे पहले बंद करता है और पूरी रात बिना सोए ही गुजार देता है। और सुबह वो अपने काम के लिए गया और कुछ ही पलों में वो वापस आ गया। उसे डर था कि कहीं अशर्फियां चोरी ना हो जाए। फिर वो घर पर बैठा रहा। ऐसा 3-4 दिन सिलसिला चला और उसने एक दिन सोचा, वो अशर्फियां ले जाकर जमींदार को दी और कहा कि ये आप अपने ही पास रखिए, इसकी वजह से मैं अपनी शांति को खो चुका हूँ और इसकी वजह से अब मैं गीत भी नहीं गुनगुनाता हूँ, अब मैं भगवान के भजन नहीं गाता हूँ, डर के रहता हूँ और अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या सीख मिलती है? पैसा तो होना चाहिए, बिना पैसे की जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा होगा, बड़ा मकान होगा, सुख सुविधाएं होगी तो आपको शांति मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि पैसों से सुख नहीं खरीदा जा सकता, सुख आत्मिक शांति से मिलता है। आप 5-स्टार होटल में जाकर चाय पिए और एक चाय की थड़ी पर जिसमें स्टूल के नीचे एक पत्थर लगाकर आप आराम से बैठे, सोच के बताइएगा कि आपको किसमें ज्यादा आनंद मिलता है। पैसे से हर प्रकार की खुशी खरीद पाते तो हम सब आज खुश होते। आप इस पर जरूर गौर करिएगा। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।